तो मैंने आपको बताया था, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, पहले चैप्टर नंबर सेकंड हुआ करता था, इसका नाम है डायमेंशनल एंड एनालिसिस। ठीक है भैया, पहले ये बड़ा अच्छा चैप्टर था जब इसमें एरर भी था, लेकिन अब एरर पूरी तरीके से इसमें ध्वस्त कर दिया गया। अब इस चैप्टर में केवल एक दो चीज बची है, एक भैया आपका डायमेंशन एनालिसिस और दूसरा आपका सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, और कुछ नहीं है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी नहीं है, पैरेलेक्स मेथड होता था वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक था, वो भी ऐसा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। सबके आपके स्कूल का सिलेबस पढ़ा ही है, तो एक बार अपने स्कूल का सिलेबस साथ में लेके आया करो, ताकि रिवीजन के टाइम में हो सकता है कि मैं किसी स्कूल में कोई टॉपिक नहीं आ रहा हूँ, और किसी स्कूल में प्राइवेट स्कूल का होता है, सरकारी स्कूल में तो एक जैसा सिलेबस होता है सबका, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा भी होता है कि किसी स्कूल में कोई टॉपिक आ रहा है, किसी स्कूल में नहीं आता। ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, तो इसलिए अपना सिलेबस अपने साथ लेके आना। ठीक है, हाँ एरर आ रहा है, करा रखा है एरर तो आपको, तो रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं उसके। अब तेरे स्कूल में अगर एरर अकेले आ रहा है तो फिर फायदा क्या, मैंने करा रखा है तुम्हारे में, पढ़ लेना उसे, आसान है, कुछ भी नहीं। एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, चलो अभी करा दूंगा। देखिए भैया, तो बच्चे लोग सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल को, देखिए फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लिख नहीं रहा है चीजों को। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की होती है, लेकिन पढ़ते हम दो टाइप की है, दो टाइप की आपके पास क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर आपको बॉडी का मास निकालना, तो आप बॉडी का मास निकालोगे, उसकी लेंथ या अन्य क्वांटिटी निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसी सात टाइप की क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सात टाइप की क्वांटिटी है, इन सब की एसआई यूनिट आप सबको जानते हो, जैसे मास की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और आपका इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। डायमेंशन ध्यान रखना, कभी भी आप डायमेंशन को लिखोगे तो आप हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, किसमें लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा होता है। डायमेंशन लिखते हो ध्यान रखना कि आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो भैया, तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी तो ज्यादा ध्यान रखनी नहीं है, अपने को ड्राइव क्वांटिटी की बात करनी है। ड्राइव क्वांटिटी में मैं कुछ ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ जो पहले आ रखी है, ठीक है, उनके फॉर्मूले लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले। तो आपको सबसे पहले जो डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, वो डायमेंशन फॉर्मूला आपका सबसे पहले जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको, बेटा बोलने बात प्लीज, बेटा घुसंड मार दूं पे, ठीक है। पहला एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है भैया, ये वाला, अच्छा -2 है, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो भैया आपको बता दूं, ये डायमेंशन फॉर्मूला है टॉर्क का, एनर्जी का, वर्क का, इनमें से किसी का भी आप लिख सकते हो, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2, ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। फिर आता है आपका तीसरा, दूसरा एम एल स्क्वायर डी की पावर -3, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो भैया ये एक ही क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो कि होती है पावर, क्या होती है, पावर, ठीक है। फिर आता है भैया एम टी की पावर -2, एम टी की पावर -2, पूछेगा भैया ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो भैया जो क्वांटिटी ज्यादा पूछी जाती है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। एम टी की पावर -2, तो ये होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, क्या होता है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर आता है भैया ये, हाँ सबसे ज्यादा पूछे आने वाला, एम एल की पावर -1, टी की पावर -1, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो ये होता है विस्कोसिटी का, ये किसका होता है, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको आप ईटा से भी लिखते हो, ध्यान दीजिए प्लीज, बात मत कीजिए, ठीक है। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला अगला, तो भैया ये है आपका एम एल की पावर -1, डी की पावर -2, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो भैया ध्यान रखना ये है आपका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, किसका, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इन क्वांटिटी के डायमेंशन सीधा सीधा पूछे आते हैं, तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, समझ गया, ये आपको जब भी याद रहेंगे जब आपने पहले निकाल रखे हैं दो तीन बार। अब देखिए कुछ क्वांटिटी के हमें डायमेंशन निकालने जो कि पूछे आते हैं, डायमेंशन निकालिए जी का, जी का क्या डायमेंशन होगा,
जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भैया, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास दो तीन फॉर्मूले हो सकते हैं जहां से आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, उनमें से ही दो फॉर्मूले का मैं जिक्र करता हूं, लेकिन किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालूंगा। एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू में जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, एक ये होता है। एक दूसरा फॉर्मूला और होता है कि स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैपिटल जी के डायमेंशंस को निकाल सकती हो। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। चलो इसका भी कर लेंगे आपके हिसाब से जो ठीक रहेगा। फोर्स, फोर्स को ऐसे लिख दीजिए। किसका डायमेंशन निकालना? कैपिटल जी का। तो जिसका डायमेंशन निकालना पहले उसको अकेला कर दो। अकेला करोगे तो आर स्क्वायर एफ की तरफ आएगा तो क्या होगा? एफ आर स्क्वायर, और एम वन एम टू उधर जाएगा तो क्या होगा? अपॉन में एम वन एम टू। ये हो गया। चलो मान लीजिए कई बच्चों को फोर्स की एसआई यूनिट नहीं मालूम है, लेकिन जानते भी है फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू में एक्सेलरेशन आर स्क्वायर अपॉन में एम वन और ये एम टू। यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है लगभग हर बच्चे को इस वक्त इस टाइम पर सबकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं मास की, तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस क्या होती है भैया? लेंथ होती है, लेकिन रेडियस का स्क्वायर होता क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये मास का क्या होगा? केजी। और ये मास का क्या होगा? केजी। तो 1 केजी से 1 केजी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ये केजी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? केजी की पावर -1। मीटर और मीटर स्क्वायर क्या हुआ? मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। ये कैपिटल जी की एसआई यूनिट होगी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन को लिखना उतना ही आसान है। देखिए कैपिटल जी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम, इसकी पावर -2, इसकी पावर 3, इसकी पावर -1। तो कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपका आ गया। अब देखिए इससे कैसे निकालेंगे, तो इससे इस वाले से देख लीजिए, सेम ही आएगा। कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना, तो कैपिटल जी क्या होगा? जी आर स्क्वायर अपॉन में एम। ठीक है भैया, तो जी क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस बोला तो लेंथ, लेंथ की क्या होती है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है? मास, मास बोले तो केजी, मास बोले तो केजी। मीटर और देखिए केजी ऊपर गया तो केजी की पावर -1। मीटर और मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -2। डायमेंशन लिख दीजिए कैपिटल जी का क्या होगा? केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम, जिसकी जो पावर है एज इट इज लिख दीजिए। क्या ये वही डायमेंशन आया जो उससे आया था? हाँ भैया वही है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने कैपिटल जी के डायमेंशन को निकालना सीख लिया। फिर आता भी है पावर का डायमेंशन निकालिए। पावर बेटा याद है आपको? तो फॉर्मूला पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। सबको याद है? ठीक है चलो निकालते हैं। पावर, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। याद है भाई? प्लीज बोलिए मत प्लीज। अपॉन में टाइम। मान लीजिए फोर्स के साइन यूनिट नहीं याद रही, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला तो पता होगा आपको। मास इनटू में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यशिका, मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? के जी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर। कॉस थीटा की कोई एसआई यूनिट नहीं होती, हटा दीजिए उसको। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो ये देखिए के जी, ये मीटर और मीटर मिलकर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एस की पावर ऊपर गया भैया तो क्या हुआ? एस की पावर -2 थी, ऊपर जाएगा तो क्या हुआ? एस की पावर, ये होगी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट वाट भी होती है, लेकिन आपको यूज नहीं करना उसको, क्योंकि वो वैज्ञानिक के नाम पे दिखी। आपको ड्राइव एसआई यूनिट का काम है। डायमेंशन क्या होगा बेटा इसका? केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम, पावर -3 2। देखो हमने पहले ही दिखा था ना पावर का। ये देखो पावर कहाँ गया, दिखा था ना। भाई देखिए प्लीज इसी को जाकर रिवाइज कर लेना। मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अभी बोल लो। ठीक है, फिर आपका भी है यंग मॉडुलस। अभी चैप्टर आप पढ़ोगे अगला चैप्टर, वहां पर यंग मॉडुलस रखा है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। क्या होता है?
स्ट्रेस अपॉन मी स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है, चुप हो जा, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया। अभी आई, अभी मारो मेरे तो को। बेटा स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। ध्यान दीजिए भैया, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चलो लिखते हैं यंग मॉडुलस का डायमेंशन निकालेंगे। यंग मॉडुलस को वाई से लिखते हैं, स्ट्रेस की जगह पे क्या लिख दिया, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन की यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब इसको अरेंज करोगे तो आपका आएगा एफ एल ए डेल्टा एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हमें इसका डायमेंशन निकालना है। ऐसे मुझे पता है एम एल की पावर -1, डी की पावर -2, प्रेशर के बराबर का डायमेंशन है इसका, लेकिन अभी निकालना ना अपने आप को, पहली बार निकाल रहे हो। ठीक है चलो, तो मान लीजिए फोर्स की असाइनमेंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन लेंथ, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, और ये डेल्टा एल लिख दीजिए। मास की असाइनमेंट क्या होगी, एक्सेलरेशन की, लेंथ की मीटर, लेंथ की मीटर, विड्थ की मीटर, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होता है, लेंथ ही होता है, चेंज इन लेंथ क्या होता है, तो इसे भी लिख दो मीटर, क्या लिख दो। तो भैया देखिए कितनी बार ये कट मार गए, ये मीटर ऊपर गया तो क्या होगा केजी, ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा मीटर की पावर एस की पावर, डायमेंशन लिख दीजिए यंग मॉडुलस का, क्या होगा एम एल की पावर -1, टी की पावर -2। क्या ये वही डायमेंशन है जो हमने पहले देखा था प्रेशर का, ये ध्यान रखना नोट में, ये ध्यान रखना नोट में, ये पक्का याद रखना चाहिए आपको, प्रेशर का हो चाहे यंग मॉडुलस का हो, यंग मॉडुलस चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयरिंग मॉडुलस हो, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, इन सब का डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। समझ गया, सबका डायमेंशन यही आएगा, समझ गया, ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, तो ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर अब 7 हो गया, पहले 8 था। ठीक है, नहीं भैया सरफेस टेंशन किसका डायमेंशन निकालना आपको, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था, लेंथ, फोर्स अपॉन में फोर्स के फॉर्मूला क्या था, मास इनटू में एक्सेलरेशन अपॉन में लेंथ, मास की असाइनमेंट क्या होगी केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी मीटर, मीटर से मीटर क्या हुआ कैंसिल, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा, केजी बोले तो मास, सेकंड बोले तो टाइम, ये आ गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन। समझ गए भैया, पीछे मैंने पढ़ा था, रख दे बेटा फोन मत देख, फोन समूह बर्बाद करके छोड़ने वाली चीजें। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट आपने केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला देखा होगा, इक्वल्स टू एच न्यू, एटम में देखा होगा आपने एटम में। खैर मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा, लेकिन अभी तो खैर इसका आप ये रट लो, इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो आपको ये जो एच है ना, इसे कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसे, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स नहीं कहते, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो भैया इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 6.67 × 10⁻³¹ होती है, खैर वो छोड़ा हटाओ, हमें इसका काम नहीं आता, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके डायमेंशन को निकालना है और इसके एसआई यूनिट को निकालनी है। तो एच का निकालनी है तो एच क्या होगा, ई अपॉन में न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/T होता है, ये भी लिखा होगा केमिस्ट्री में आपको, 1/T। ठीक है, तो एनर्जी और ये क्या होगा 1/T, ये टी क्या होगा ऊपर जाएगा तो एनर्जी इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इंटू में टाइम भी होता है, क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है,
अभी मैंने पीछे लिखवाया था, एनर्जी हो, वर्क हो या टॉर्क हो, कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सा भी वर्क हो और टॉर्क हो, सबका डायमेंशन क्या आता है? सेम आता है। मुझे याद है, आपको पता नहीं याद होगा नहीं याद होगा, लेकिन याद कर लेना इन चीजों को, कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और इस टाइम का क्या होगा? टी। तो एच इक्वल्स टू में एम एल स्क्वायर टी की पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2 और इसकी पावर क्या है? -1। तो ये भैया क्या आ गया? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। आसान चीज है भैया, हार्ड नहीं है बिल्कुल, तुच्छा है, खत्म हो गया। अब आते भैया डायमेंशन निकालने के, इतने आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, जो ज्यादा पूछे आते हैं वही करा रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने एक बच्चे को दी थी सप्लीमेंट्री बुक, आपको दी थी क्या? है अभी आपके पास? अभी रुक जाओ। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है? तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, आपको डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करना है, फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है? तो चलो पहली एप्लीकेशन करते हैं। नहीं, पहले चेकिंग देख के रखना से ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, जो क्वेश्चन ज्यादा बार रखे वही करा रहा हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक भैया? पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन बराबर में राइट हैंड साइड डायमेंशन, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है? डायमेंशन ऑफ एनी नंबर, डायमेंशन ऑफ एनी नंबर क्या होगा भैया? एक के बराबर होता है, किसी भी नंबर को दिख जाए, कोई साइन दिख जाए, कॉस दिख जाए, डायमेंशन ऑफ एनी नंबर, कोमा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या कोई से भी दिख जाए, लॉग दिख जाए आपको, ठीक है? इन सब का डायमेंशन क्या आएंगे भैया आपके? 1 आएगा, ठीक है? तो इन चीजों को अगर आपको ध्यान रखना, और हाँ एक मेन चीज है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस सेम डायमेंशनल क्वांटिटी, हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। वी कैन ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट दी सेम डायमेंशनल क्या लिख रहा हूं, क्वांटिटी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटी कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पांचवा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस सेम क्वांटिटी कर सकते हो। मनवीर तेरे हाथ में फोन है ना, झूठ बोलियो, क्यों चला रहा, क्या देख रहे? अच्छा वहां पे भी पढ़ा रहे क्या? मार दो ना यहीं पे, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा। अगले यार, इतने शराफत के साथ पढ़ाना, इसे बदतमीज देख रहा है, नॉनसेंस कहीं का, सॉरी बोल, चल माफ किया, ठीक है? अब कुछ क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल करके चेक करना है। पहली क्वांटिटी क्या भी है, फॉर्मूला रखा आपको एच इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में एम वी, लैम्डा क्या भैया? वेव लेंथ क्या है? है तो वेव की लेंथ है ना, है तो लेंथ ही, चाहे वेव की लेंथ हो चाहे तेरी लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ होती है ना, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। एच क्या? प्लैंक कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, पीछे निकालता। मास का डायमेंशन सब जानते हैं क्या होता है, चलो मान लो डायमेंशन नहीं आते, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से आप ज्यादा वाकिफ होगे, ठीक है? तो भैया चलो एच लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा है, लैम्डा बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा भैया? एल। प्लैंक कांस्टेंट का एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, पीछे मैंने डिराइव कराया था भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई। एम मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, और वेलोसिटी सब जानते हो, एल टी -1 क्या होता है?
चलो भैया आप देखिए इसको काटा पीटी करें, अगर दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या था, डायमेंशनली सही था। देखिए आपको एक बात और बता दूं, कई सारे फॉर्मूले डायमेंशनली गलत आते हैं लेकिन वो एक्चुअल में सही होते हैं। डायमेंशनली गलत आने वाला फॉर्मूला जरूरी नहीं कि वो गलत हो, ठीक है, लेकिन डायमेंशनली ठीक है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि कौन से सही है कौन से गलत है, तो डायमेंशनली वही सही होगा जब दोनों साइड के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिए भैया एम से एम कट गया, बोला हाँ। टी की पावर माइनस वन से टी की पावर माइनस वन कैंसिल हो गया, बोला हाँ। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, बोला हाँ। एल बराबर में क्या ये सही है? जी हाँ ये सही है। देखिए एस्केप वेलोसिटी, ये फॉर्मूला किसका है, एस्केप वेलोसिटी का। वैसे इसके तीन चार फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहां पर देखा है टू जी एम अपॉन में आर, वी फॉर स्पीड वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल दो कोई दिक्कत नहीं। दो एक नंबर है जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, पीछे मैंने उसका डायमेंशन निकाल ही दिया। एम क्या है, मास है, और आर क्या है भैया, रेडियस है। ठीक है चलो लिखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था बेटा, सब जानते हैं, एल टी माइनस दो का डायमेंशन नहीं होता, हटा दीजिए। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसका भी कोई डायमेंशन होता है, सॉरी एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, ये डायमेंशन होता है। एम का डायमेंशन एम ही होगा, आर रेडियस है, रेडियस क्या होती है, लेंथ के बराबर। ठीक है बेटा अब देखिए, कई बच्चों को भी मैथ्स भी नहीं आती ढंग से, मैंने देखा है मैथ्स है उसके बाद भी मैथ्स नहीं आती, उनको काटने नहीं आता। सेम लेवल पर देखिए, जैसे ये ऊपर है ये भी ऊपर है, अगर इस केस में दोनों की पावर अपोजिट है, एक की पावर प्लस एक की पावर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नहीं आपको पता है ना, अभी कई सारे धनु प्रवीण है यहाँ पे, उसको पता ही नहीं है, लेकिन अगर ये चीज नीचे होती ना तो आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है तो ये ध्यान रखना, ये इससे कट गया और इसका इससे कट गया, तो एल टी माइनस वन, और इधर क्या होगा बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बोलो हाँ सही है, गलत तो नहीं हुआ। अब इसको इधर देखिए, एल टी माइनस वन बेटा, और इधर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर जा सकते दोनों, तो क्या होगा एल टी माइनस वन। क्या ये फॉर्मूला सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला भी है कुछ, हाँ जो आते जाता मैं वही करा रहा हूं, तीसरा इसको भी चेक करना है आपको, टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। ये टी है टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, किसका, जो ऑसिलेट ऑसिलेट करता है उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड है, तो इसको सही करना। पहली बात तो दो और पाई एक नंबर है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है हटा दीजिए इसको। तो टी का डायमेंशन क्या होगा, टी, एल का डायमेंशन एल, और जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस एल से एल क्या हुआ, कैंसिल टी, ये बेटा टी की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी की पावर प्लस टू हो जाएगा, ये अंडर रूट से टी बराबर में, क्या ये सही है, नहीं है सही है। ऐसे एक फॉर्मूला और यूज होता है, ये है v इक्वल्स टू अंडर रूट p अपॉन में रो। ये पता क्या, किसकी, v फॉर वेलोसिटी, p फॉर प्रेशर और रो फॉर डेंसिटी। ये एक्चुअल में एयर साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर है, साउंड की वेलोसिटी, तो साउंड की वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी है, p फॉर प्रेशर है, और रो क्या है, डेंसिटी है, p एयर प्रेशर है, रो एयर डेंसिटी है, और v वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है चेक करते भैया सारे का। अच्छा जिसको नहीं पता होगा रो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, क्या होता है, डेंसिटी, ये वेलोसिटी है, प्रेशर इसको लिख दिया मास अपॉन में वॉल्यूम, वेलोसिटी प्रेशर वॉल्यूम अपॉन में क्या हो गया, मास। ठीक है भैया चलो लिखते हैं सबका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, बोला हाँ। प्रेशर का डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस टू, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम का, एल क्यूब क्यों होता है पता ना आपको, क्योंकि तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, लंबाई के डायमेंशन एल, चौड़ाई का भी डायमेंशन एल, और ऊंचाई का भी डायमेंशन क्या हुआ, लेंथ ही हुआ, तो एल क्यूब। मास का क्या हो गया एम। अब काटा पीटी कर देते हैं भैया,
एम से एम क्या हुआ, कट मर गया, एल टी माइनस वन अंडर रूट, देखिए एल की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, तो क्या होगा एल की पावर टू हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू। अब देखिए भैया दोनों का स्क्वायर है, दोनों अंडर रूट के बाहर आ सकती है, लेकिन जिसकी पावर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लिखना है। ये क्या है, एल स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा एल, ये क्या है टी की पावर माइनस टू, तो टी की पावर माइनस वन आएगा। सही है भैया, चलो फिर बात करते हैं भैया एक फॉर्मूला हो रहा फ्रीक्वेंसी का, वन बाय में टू एल टी अपॉन में एल, टी मतलब टेंशन है, टी मतलब और टेंशन फोर्स होता है, क्या होता है फोर्स, और यहां पर स्मॉल एम जो है ना वो मास नहीं है, स्मॉल एम यहां पर मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, क्या है वो स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ। देखिए टेंशन तो यहां पर फोर्स है ठीक है, लेकिन स्मॉल एम है मास अपॉन में लेंथ, इसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, क्या कहते हैं इसे, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है वन बाय में टी, वन बाय में टी, चलो निकालते हैं सबके डायमेंशन, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा टी की पावर माइनस वन, क्या होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी वन बाय में टी होता तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा टी की पावर माइनस वन। अच्छा एक और दो का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेंथ का क्या होता है एल, अंडर रूट में टेंशन क्या है फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस, और नीचे एम मास पर यानी एम अपॉन में एल है, तो एम का क्या होगा कैपिटल एम और एल का क्या होगा कैपिटल एल, कैपिटल एल ऊपर आएगा तो एल की पावर यानी स्मॉल एम का डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन होगा। अब काटा पीटी कर लेते हैं, एम से एम क्या हुआ कट गया, ये एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस वन हो जाएगा, एल ऑलरेडी वो बैठा है ऊपर तो एल की पावर क्या हो जाएगी दो, तो टी की पावर माइनस वन एल, और ये हो जाएगा आपका भैया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब आपको मैंने अभी समझाया था मैंने, ये क्या हुआ एल और ये क्या हुआ टी की पावर, एल से एल क्या हुआ कट गया, तो टी की पावर माइनस वन बराबर में माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में टू ए एस, ये देखा आपने, चलो भैया अब ये भी चेक करना, तो वी फोर क्या है वेलोसिटी, मैंने आपको इसमें एक बार बता रखी कि वेलोसिटी कोई सी भी हो डायमेंशन क्या होगा एसआई यूनिट क्या होगी याद है, तो ये देखिए एल टी माइनस वन माइनस स्क्वायर कर दीजिए, ये भी वेलोसिटी है तो इसका भी क्या होगा एल टी माइनस वन, दो एक नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ए क्या एक्सेलरेशन एल टी माइनस एस क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है एल, इधर देखिए एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू माइनस एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और एल क्या होगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब इन दोनों को सेम डायमेंशन को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा, तो एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू ही आएगा रिजल्ट बराबर में एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, दोनों साइड के डायमेंशन क्या है भैया बराबर है, यानी ये फॉर्मूला भी क्या है सही, समझ गया। अब इसी के ऊपर आता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, देखिए किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड किया आपका क्या आ गया फोर्स, एक क्वांटिटी थी एक्स दूसरी क्वांटिटी थी और तीसरी क्वांटिटी थी और उनको सबको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है तो एक्स भी क्या होगी फोर्स, वाई भी क्या होगी और जेड भी क्या होगी, हम सेम प्लस और माइनस उन्हीं को कर सकते हैं जो सेम हो, अगर ये तीनों क्वांटिटी सेम है और इनका रिजल्ट आ रहा है फोर्स तो इसका मतलब तीनों ही क्या होंगी फोर्स होंगी। अच्छा एक्स का डायमेंशन क्या होगा फोर्स के बराबर, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी माइनस, वाई भी किसके बराबर है फोर्स का, तो वाई का डायमेंशन भी क्या होगा एम एल टी माइनस टू, जेड भी क्या है फोर्स है तो इसका डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू। ये तो बड़ा टुच्चा क्वेश्चन था, स्ट्रेन फॉर्मूले से मतलब
जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे, सर्कल वाले सुने नहीं। हाँ तो सर्कल नहीं थे, एक रेडियस वाला और एक पाई वाला। अच्छा कन्वर्ट करना है क्या? अच्छा कन्वर्ट, कन्वर्जन नहीं आता मैथ्स का कोई। हाँ देखिए भैया, अब मैं कह रहा हूं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बराबर में वेलोसिटी, ए टी स्क्वायर प्लस, तो आपको ए बी और सी के, ए बी के डायमेंशन निकालने हैं। अच्छा इन दोनों को मैंने जोड़ा, क्या आया? तो इसका मतलब ए टी स्क्वायर भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा, और बी टी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा, तो ए क्या होगा? वी अपॉन में, वी अपॉन में टी स्क्वायर, और बी क्या होगा? वी अपॉन में टी। अब ए का डायमेंशन निकालना, तो क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। टाइम क्या होता है? टी स्क्वायर। और बी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? एल टी माइनस वन। और टी का क्या होगा? टी। सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा? ए का डायमेंशन होगा एल टी, टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन है ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो माइनस थ्री हो जाएगा। और बी का डायमेंशन क्या आएगा? एल टी माइनस टू। ठीक है भैया, समझ गए? कई बार ऐसा ही पूछता है कि भैया बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है, बी कौन सी क्वांटिटी है, तो भैया बी का डायमेंशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के, तो बी कौन सी है? एक्सेलरेशन। अच्छा ये किसका डायमेंशन के बराबर? तो भैया ये तो आया जर्क, ये क्या है? एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम क्या होता है? जर्क होता है ना, तो ये क्या होगा? जर्क, ये एक्सेलरेशन है और ये है जर्क। ठीक है आगे बढ़े। अब इसका इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा के मैं अगली एप्लीकेशन पे आता हूं। ठीक है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी टी बराबर में फोर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, वेयर एक्स डिस्टेंस है, एफ क्या है? फोर्स, और टी क्या है? टेन। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब अंडर रूट ए एक्स भी क्या है भैया? फोर्स है, और बी टी भी क्या है? फोर्स है, तो भैया बी का डायमेंशन क्या होगा? एफ अपॉन में टी, एम एल टी माइनस टू, और टाइम का क्या होगा? टी, क्या होगा? एम एल टी माइनस थ्री, ये हो गया आपका बी का डायमेंशन। अब ए का क्या होगा? तो भैया चलो एक काम करते, पहले लिख दीजिए अंडर रूट ए इक्वल्स में एफ अपॉन में एक्स, ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? एफ स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट है ना, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो इधर का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? ए हो जाएगा, इधर का स्क्वायर करूंगा तो एफ स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू का स्क्वायर, और एक्स क्या लेंथ है? लेंथ का स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या होगा? कटमर क्या, तो एम एल एम स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर, ये क्या आ गया? अच्छा हाँ कई बार इसमें ये भी बोलता है, कहता फाइंड फाइंड ए बाय में बी या ए इंटू में बी, बताओ। समझ गया, तो हमने ए का डायमेंशन निकाल लिया, कितना है बेटा? ये आ गया, और बी का डायमेंशन निकालेंगे, तो अगर आपको ए बाय में बी करना है तो ए का डायमेंशन क्या रखा? एम स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर डिवाइड बाय बी का डायमेंशन क्या रखा है? एम एल टी की पावर माइनस सिक्स, इसको काटा पीटी करके सॉल्व कर लोगे, आएगा ए बाय में बी। और आपको अगर दूसरे पार्ट में बोल रहा है ए इंटू में बी निकालिए, तो ए का डायमेंशन क्या निकाल कर लिया? एम स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर इंटू में बी का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस थ्री। सॉल्व कर लीजिए, आपका डायमेंशन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बड़ा, आसान है चीजें तो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सेकंड एप्लीकेशन पे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने को डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करना है। ठीक है, तो भैया इसमें कोई रूल राल नहीं लगना, कुछ रूल नहीं लगना इसमें, बस बोलेगा भैया ये फला क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड कर रही है, तो भैया इसका फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ा दूंगा। कह रहा है फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। अगर फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता डायरेक्टली कर रहा है इन्वर्सली कर रहा है, बस बोल रहा है डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली लिख दो। क्या लिख दो? तो फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या करना है?
तो भैया पहला स्टेप तो आपका ये होगा, जो भी डिपेंड कर रहा होगा सबको ऐसे लिख देना है, या नॉर्मली एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम वी आर, क्या लिख दोगे, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम वी आर। उसके बाद इस या तो ये लिखो ये लिखो, कौन सा सही रहेगा आपके लिए, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, शॉर्टकट है ये, एफ इज जिसके भी किस पे जिस पे भी डिपेंड कर रहा है सबके साथ इस तरीके से लिख दो। उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ और लगा दो कॉन्स्टेंट, क्या लगा दो, कॉन्स्टेंट, जैसे ही लगेगा कॉन्स्टेंट जैसे लगेगा हम लिख देंगे एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी, जैसे कॉन्स्टेंट लगाएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में सबके डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, के का कोई डायमेंशन नहीं होता ध्यान रखना, एक नंबर होता के। मास का डायमेंशन क्या होगा, एम, एम की पावर है, वेलोसिटी का एल टी माइनस बी। और भैया जिसके अभी यूटीओ रखे ना और जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है तो वो पेपर लेके आ जाएगा, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर करा दूंगा, क्योंकि तो टीचर जो होता है ना वही क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, ठीक है, तो इसलिए अपने पेपर को ले आना जो आपका फर्स्ट सेकंड जितना भी टेस्ट हुआ है, मैं करा दूंगा, इसमें डाउट होगा। और आर क्या, रेडियस है, रेडियस क्या होगा, लेंथ, लेंथ सी लिख दिया, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कुछ नहीं करना, जितना रिविजन करा रहा हूँ उतना ही कर लो भैया, फुल नंबर है फुल, अगर इतना भी नहीं कर पाता आपकी जिंदगी तहस नहस है, मर जाओ, ठीक है। इधर क्या, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, इधर देखो एम की पावर ए है लिख दीजिए ए, एल की पावर बी भी है और एल की पावर क्या है भैया, सी भी है, तो एल की पावर इधर बी है इधर क्या है सी, तो बी प्लस सी, टी की पावर क्या है भैया माइनस वन और इसकी पावर क्या है बी, तो टी की पावर क्या है माइनस बी, समझ गए भैया, नॉर्मल कैलकुलेशन है भैया, गणित थोड़ी लगानी है। अब एम एम के बराबर होगा तो एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई वन, एल एल के बराबर होगा एल से एल कैंसिल, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, ए की वैल्यू हमें पता है, अच्छा बी प्लस सी है, एल से एल ये वाला टर्म इसके बराबर होगी तो एल से एल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर में क्या हो गया वन, अच्छा ये वाली टर्म इसके बराबर होगी तो टी से टी कैंसिल, तो क्या माइनस बी बराबर में माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो बी की वैल्यू क्या आ गई टू, बी की वैल्यू टू आ गई तो यहाँ पर रखो टू, प्लस सी बराबर में वन तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, क्या आएगी, अब ए बी सी सबकी वैल्यू पता लग गई है, कुछ नहीं करना इस वाली इक्वेशन में आओ और सबकी वैल्यू रख दो, के एम की पावर क्या है ए, ए की वैल्यू क्या है वन, वी की पावर क्या है बी, बी की वैल्यू क्या रखी है दो, और आर की पावर क्या है सी, सी की वैल्यू क्या रखी है माइनस वन, तो भैया जो पावर नेगेटिव हो ऊपर उसको नीचे ले आके पॉजिटिव कर दो, तो क्या होगा एफ इक्वल्स में के एम वी स्क्वायर, पावर वन हो तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती और आर की पावर नीचे आ जाएगा पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या है के एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है चलो। क्या बेटा पढ़ा मैं रहा हूं थक तू रहा है, तुझे कह रहा हूं मोटे चार बार गोवर्धन क्यों घुमा रहा है, क्यों अभी इतने में पेन चुभाऊंगा जाने क्यों, पंचर कर दूंगा जाने क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है, विस्कोसिटी का डायमेंशन बताया तो मैं क्या कर, जो जो जिस जो जो, जो भी लिखवा रहा मैं डायमेंशन बताता चलूंगा आपको, ठीक है, विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है भैया फोर्स पे, विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है रेडियस पे और विस्कोसिटी डिपेंड कर रहा है मास पे। भैया विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस टू, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा एल, मास का डायमेंशन क्या होगा एम, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू, भैया बताइए विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना क्या होगा, एफ आर एम इक्वल्स टू एफ की पावर ए, आर की पावर बी, एम की पावर सी, लिखो डायमेंशन, के का कोई डायमेंशन नहीं होता, एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस वन, के का कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू, पावर क्या है ए, आर क्या होगा लेंथ, लेंथ की पावर क्या हो गया बी, एम क्या है मास, मास की पावर क्या हो गया सी, ठीक है भैया, नहीं ठीक है माइनस वन आएगा, विस्कोसिटी का डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस वन होता है, यही तो मैं देख रहा था तुम्हें, वो चेक कर रहा था मैं, माइनस वन आएगा यहाँ पे, ठीक है चलो ये चीज़ ध्यान रखना, समझ के जानबूझ के गलती करता रहता मैं, एम
एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस वन, ये लिख दिया। अब देखिए एम की पावर क्या है ए, और एम की पावर क्या है सी, तो एम की पावर ए प्लस एल की पावर ए, एल की पावर बी, तो एल की पावर ए प्लस टी की पावर माइनस टू है, और तो ही नहीं टी की पावर माइनस टू है। काटा पीटी करो, एम से एम बराबर हो गया तो ए प्लस सी बराबर में क्या गया वन, एल से एल बराबर हो गया तो ए प्लस बी बराबर में क्या गया माइनस वन, टी से डी बराबर हो गया तो क्या हुआ, टी से डी बराबर हो गया तो क्या हुआ माइनस टू ए बराबर में माइनस वन, माइनस से माइनस का कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू का वन बाय में टू, वन बाय में टू आ गई भैया, बाकी वैल्यू निकाल लो और सारी वैल्यूज को इसके अंदर लाके पुट कर दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अगला जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इंटू अनदर यूनिट। आपको यूनिट में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास बेसिकली मैं बताऊंगा यहां पर जो काम किया वो दो यूनिट है, एक है एमकेएस दूसरी क्या है सीजीएस है। ठीक है, एमकेएस यूनिट की बात करूंगा तो मास क्या होगा, लेंथ मीटर में होगी, लेंथ इन, अगर हम बोल दू भैया ये फला यूनिट एमकेएस है तो उसमें जो लेंथ होगी किसमें होगी मीटर में, मास जो होगा केजी, और टाइम जो होगा किसमें होगा, अगर मैं बोल दू भैया ये फला यूनिट एमकेएस है या एसआई, इसे एसआई भी कहते हैं, क्या कहते हैं एसआई यूनिट भी कहते हैं, तो फला यूनिट एमकेएस यूनिट है। एमकेएस यूनिट का मतलब इसमें लेंथ जो होगी मीटर में होगी, टाइम जो होगा सेकंड में होगा, और मास जो होगा किलोग्राम में होगा, और फला यूनिट जो है सीजीएस है, क्या है ये सीजीएस है, तो इसमें जो लेंथ होगी किसमें होगी, लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम होगी, और टाइम इन क्या होगा सेकंड होगा। अब यही करना है कि मुझे भैया डायमेंशन एनालिसिस, आपको ये भी बता दूं कि एक किलोग्राम को मैं क्या लिखता हूं, 1000 ग्राम, क्या लिखता हूं, दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों क्वांटिटी लेकिन लिखने का तरीका जो है अलग अलग है, ये अलग यूनिट में लिखी गई, ये अलग यूनिट में लिखी गया। अगर सेम क्वांटिटी को आप अलग अलग यूनिट में लिखोगे तो नंबर भी क्या होते हैं बदल जाते हैं, जैसे यहां पर यूनिट क्या है किलोग्राम तो नंबर क्या है एक, यहां पर यूनिट क्या है ग्राम तो नंबर क्या है 1000, तो यहां लिखते हैं हम एक क्वांटिटी को अगर हम दो अलग अलग सिस्टम में लिखे या तीन अलग अलग सिस्टम में लिखे तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट लगाने से उनका नंबर क्या होगा सेम क्वांटिटी का बदल जाएगा, तो इसको लिखेंगे N1U1 बराबर में N2U2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में